हेलो एवरीवन, अभी हम समझने की ट्राई करेंगे कि हमें इंट्राडे में कौन सा टाइम फ्रेम यूज करना चाहिए। आप थंबनेल देखकर पता चल ही गया आपको। अगर हम इंट्राडे में करते हैं, जब भी कोई इंट्राडे करते हैं, कोई ट्रेड लेते हैं जो बस एक दिन के लिए ट्रेड लेते हैं, तो उस सिचुएशन पे हमें क्या करना चाहिए, उस सिचुएशन पे हमें कौन सा टाइम फ्रेम को प्रीफर करना चाहिए, ये बहुत लोगों ने मुझे क्वेश्चन किया था। तो मैंने सोचा कि एक प्रॉपर डेडिकेटेड वीडियो उस पर बनाया जाए ताकि आपको मैं इन डिटेल्स में उसके बारे में समझा दूँ, उसके बारे में डिटेल्स में आपको समझा सकता हूँ। तो अगर आप प्रॉपर कहीं ना कहीं अगर आप देखते हो तो 5 मिनट पे और 15 मिनट पे क्या डिफरेंस होता है, ज्यादातर कोई डिफरेंस वैसे भी नहीं होता है। लेकिन फिर भी अगर आप मेरे पास एक हिंदुस्तान एरियो का चार्ट है, या पर आप 15 मिनट का चार्ट ओपन किया है मैंने, आप 15 मिनट के चार्ट पे अगर आप देखते हो तो यहाँ पर सोचो कि आपने कहीं ना कहीं ऐसे कोई ट्रेंड लाइन आपने यूज किया होगा इस पे। एंड अगर आप यहाँ पर 15 मिनट के चार्ट पे अगर आप एंट्री करते हो, जैसे कि यहाँ पर मैं आपको लिखा यहाँ पर बता देता हूँ, मैं 1 मिनट में पेन ओपन कर लेता हूँ। अगर यहाँ पर हम देखते हैं तो अगर आपने ये 15 मिनट के कैंडल पे अगर आपने यहाँ पर प्रॉपर एंट्री की होगी तो आपका एसएल कहीं ना कहीं ये लेवल के पास एसएल रहता है आपका, एंड जो आपका टारगेट है वो कहीं ना कहीं ऊपर के लेवल पे बहुत बड़ा टारगेट रहता है। लेकिन वही अगर आप 5 मिनट पे ट्रेड पे देखते हो तो ज्यादा कोई दूसरे में डिफरेंस नहीं आएगा। अगर आप वही पे 5 मिनट पे देखोगे तो आप एंट्री कहाँ करोगे, आपकी एंट्री कहीं ना कहीं ये लेवल के पास हो जाएगी, आपका स्टॉप लॉस सेम ही रहेगा। आप हमेशा की एक बात याद रखो, आपके स्टॉप लॉस में कई बार ज्यादा चेंजेस नहीं आते हैं जब आप टाइम फ्रेम चेंज करते हो, लेकिन आपके जो चेंजेस आते हैं वो टारगेट में आते हैं। कैसे, अब यहाँ पर आप ऑब्जर्व करोगे, आपके टारगेट में ज्यादातर कोई चेंजेस नहीं आते, कभी भी याद रखना। आपके एंट्री टाइमिंग पर चेंज हो जाएगा, टारगेट में ज्यादातर कभी चेंजेस नहीं होते। जब भी आप इंट्राडे करते हो, आप 15 मिनट का चार्ट लगाओ या फिर 15 मिनट का चार्ट लगाओ, 15 मिनट का चार्ट लगाओ फिर 5 मिनट में लगाओ, आपके जो नॉर्मली चेंजेस आते हैं उसमें वो चेंजेस इतने ही आते हैं। क्या आपका जो टारगेट है वो कहीं ना कहीं कम रहता है 5 मिनट पे? अगर आप 5 मिनट पे ट्रेड करते हो, 5 मिनट पे टाइम फ्रेम पे अगर यहाँ पर आप ट्रेड करते तो आपका टारगेट कहाँ होता? टारगेट कहीं ना कहीं आपका ये लेवल का निकल के आता और ये लेवल का ज्यादा से ज्यादा निकल के आता। लेकिन वही अगर आप 15 मिनट के चार्ट पे फॉलो करोगे तो आपका जो टारगेट निकल के आएगा वो कहीं ना कहीं बहुत बड़े टारगेट निकल के आते हैं। कि जैसे कि आप ये लेवल पे देखते हो तो ये वाला आपका एसएल है यहाँ पर प्रॉपर, यहाँ पर आप जो एसएल लगाकर बैठे हो तो आपका टारगेट जो है ना वो कहीं ना कहीं बड़े लेवल पे आता। क्यों? क्योंकि आप कहीं ना कहीं यहाँ पर देख रहे हो दिस इज एक मोमेंटम हुआ, फिर यहाँ पर एक पुल बैक आया, एंड यहाँ पर जाकर एक पोल एंड फ्लैग पैटर्न या फिर एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न जो भी आप बोल सकते हो ये बना। इसके बाद जाकर आपका जो टारगेट आएगा वो कहीं ना कहीं ये लेवल के पास से आएगा। तो आप जो 15 मिनट पे ट्रेड करते हो ना, तो आपकी जो साइकोलॉजी है ना उस तरीके से बनती है कि मैंने 15 मिनट का टाइम फ्रेम अगर यूज किया है तो मुझे ऑब्वियस सी बात है मुझे रुकना भी 15 मिनट का है। एसएल जाने के लिए भी आपको 15 मिनट के चार्ट पे कम से कम आपको 30 से 40 मिनट लगते हैं कि आपका एसएल हिट करने के लिए भी। क्यों? क्योंकि 15 मिनट की 3 से 4 कैंडल बननी पड़ेगी। यहाँ पर 15 मिनट की एक कैंडल बनी, दूसरी कैंडल बनी, तीसरी कैंडल बनी, ऐसी कैंडल अगर यहाँ पर बनने के बाद कोई नीचे आता तो ये आपका स्टॉप लॉस हिट कर जाता। इसका मतलब सिंपल सा है कि मार्केट आपको स्टॉप लॉस करने के लिए भी टाइम लगाएगा एंड टारगेट देने के लिए भी टाइम लगेगा। अगर आप यहाँ पर देखते हो कोई ऐसी कैंडल बनी, फिर यहाँ पर कोई ऐसी कैंडल बनती, अगर ये 2 कैंडल बनने के बाद अगर मार्केट आपका स्टॉप लॉस हिट करता तो आपको पता चलता कि चलो कम से कम 40 मिनट तो मुझे लगे कि जो मुझे ट्रेड करने के लिए वो और मुझे वेट करने के लिए मिला। तो जब 40 मिनट आपको लगने वाले हैं तो ऑब्वियस सी बात है उसका टारगेट रेशियो भी बहुत बड़ा निकलने वाला है। कैसे टारगेट रेशियो? क्योंकि यहाँ पर 40 मिनट आपका एसएल निकलने के लिए जाने वाला है तो ऑब्वियस सी बात है 1 से 2 घंटे भी आपको टारगेट मिलने के लिए जाने वाला है। तो यहाँ पर आपका जो पेशेंस लेवल है वो कहीं ना कहीं 15 मिनट पे बहुत अच्छे से बनने लगता है। 15 मिनट पे आपकी एंट्रीज कम होती है, 15 मिनट पे आप यहाँ पर एंटर करोगे फिर यहाँ पर निकल जाओगे फिर यहाँ पर एंटर करोगे आपके लोगों का फिर यहाँ पर एंटर करोगे, ऐसा बार बार चलता रहेगा। और 5 मिनट पे यही सबसे ज्यादा दिक्कतें क्रिएट करता है कि आपको जो भी लगता है वो कहीं ना कहीं बार बार एंट्री और एग्जिट करने के लिए आपको बार बार होता रहता है। इसीलिए मैं आपको प्रीफर करता हूँ कि 15 मिनट का चार्ट अगर इंट्राडे में यूज करते हो तो उस सिचुएशन पे आपको समझ लेना चाहिए कि आपको जो जब आप 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे ट्रेड करते हैं ना तो हमारे लिए होता क्या है कि एंट्रीज हमारे लिए बहुत कम होती है एंड टारगेट रेशियो बहुत बड़े बड़े होते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप एक बार एंट्री करते हो तो आपको टारगेट कहीं ना कहीं ये लेवल के निकल के आएगा। कैसे निकल के आएगा? क्योंकि ये जो मोमेंटम हुआ, यहाँ से जो मोमेंटम हुआ यही मोमेंटम आप ऊपर के साइड में रिप्लीकेट करोगे। ऊपर के साइड में आप इतना रिप्लीकेट करते हो तो एक्जैक्टली अगर आप देखते हो मार्केट में जाकर तो एक्जैक्टली उसी लेवल के पास से एक बार मार्केट क्या किया, उसी लेवल के पास जाने के बाद मार्केट ने वहां से एक बार यू टर्न लिया और मार्केट यहां तक नीचे आया था एक्जैक्टली वही लेवल से। क्यों? क्योंकि सब लोग यही कैलकुलेट करके बैठे हैं कि ये लेवल से अगर मैं मार्केट को कहीं ना कहीं मोमेंटम आए तो ऑब्वियस सी बात है उतना ही लेवल में ऊपर के साइड में एक्सपेक्ट करूंगा और सब लोग ऐसे ही टारगेट प्लान करके बैठते हैं। इसीलिए जब भी आप 15 मिनट पे या 5 मिनट पे ट्रेड करते हो तो उसमें हमेशा एक बात को याद रखना है आपको, आपका जो एसएल रहेंगे वो कभी भी जाकर एसएल में कोई चेंजेस नहीं आएगा, आपके जो स्टॉप लॉसेस है वो हमेशा वही रहेंगे। लेकिन हम कंजूसी क्यों करते हैं? हम कंजूसी इसीलिए करते हैं क्योंकि हमें लगने लगता है अगर 5 मिनट पे चले जाएंगे तो मुझे 20 पॉइंट का एसएल निकल के आएगा, लेकिन मैं 15 मिनट पे जाता हूं तो मुझे एसएल कहीं ना कहीं निकल के आएगा यहाँ पर 30 से 40 पॉइंट का एसएल निकल के आएगा। लेकिन एक बात को याद रखो, जो 30 से 40 पॉइंट का एसएल है वो एसएल सेम ही रहने वाला है, एसएल में कोई भी चेंजेस कभी भी नहीं आने वाले। और क्यों नहीं आने वाले? क्योंकि यहाँ पर फिक्स है कि एसएल जो आपको दे रहा है मार्केट वो कंफर्म वही रहेगा, क्योंकि जो पिछला स्विंग है उसी के नीचे आपको एसएल लगाना पड़ेगा और यही पर आपका एसएल रियलिटी में आएगा।
लेकिन टारगेट रेशियो है वो कहीं ना कहीं आपका बहुत बड़ा निकल के आएगा एंड यहाँ पर मिले। लेकिन 5 मिनट पे करते हो तो आप कहीं ना कहीं डर के मारे यहीं पर निकल जाओगे, क्योंकि आपकी साइकोलॉजी भी उसी के लिए बनी है कि 5 मिनट पे मुझे यहाँ पर, मैंने अगर 20 पॉइंट का एसएल लगाया है तो कहीं ना कहीं मुझे बस 30 पॉइंट भी मिलते हैं तो मैं यहाँ पर खुशी खुशी से यहाँ पर प्रॉफिट बुक करके निकल जाऊंगा। इसीलिए जब भी आप कोई ट्रेड कर रहे हो तो हमेशा उसमें प्रॉपर एसएल लगाने की कोशिश करो, ताकि आपको इसमें आने वाले टाइम में बहुत बड़ा पैसा मिलने की भी ट्राई हो जाए। अगर यहाँ पर मार्केट खुद आपको पैसा देने की कोशिश कर रहा है तो यहाँ पर उसको लेने की भी ट्राई करो, ना कि आप क्या है कि यहाँ पर आप यहाँ पर मार्केट ऊपर गया यहाँ पर एग्जिट करके डर के निकलोगे, फिर यहाँ पर आपको लग रहेगा और ऊपर जाएगा फिर से आप बाय करोगे, फिर यहाँ पर निकलोगे फिर मार्केट थोड़ा नीचे आएगा फिर आपको लगेगा बाय। तो यहाँ पर आप बाय सेल जो करते रहते हो ना, ये कहीं ना कहीं गलत हो जाता है एंड यहाँ पर हमारे सबसे बड़े बड़े जो लॉसेस होने लगते हैं वहीं पर होने लगते हैं। एंड जो हम ज्यादातर क्या करें इंट्राडे में, आप भले ही यहाँ पर आकर 2000 रुपए कमा लो, 2000 रुपए तो आपने भले ही यहाँ पर प्रॉफिट कर लिया, लेकिन एट द एंड में आपका कम से कम 1500 रुपए ब्रोकरेज चला जाने वाला है, इसमें चार्जेस आपके सारे कुछ जाने वाले, आपके हाथ में बस 500 रुपए जाने वाले। ऐसा क्यों? क्योंकि आपने बहुत यहाँ पर मल्टीपल एंट्रीज ली थी जो आपको कहीं ना कहीं कन्विक्शन नहीं लग रहा था कि मार्केट ऊपर जाएगा कि नहीं जाएगा, आप यहाँ पर बार बार डर रहे थे और इसका एक ही रीजन होता है कि आप क्वांटिटी साइजिंग को एडजस्ट नहीं करते। यहाँ पर अगर आप 15 मिनट पे या फिर 5 मिनट पे दोनों साइड पे भी अगर ट्रेड करते हो तो भी एसएल में वही रहेगा जैसे मैंने आपको बताया, एसएल तो वही शिफ्ट रहने वाला है लेकिन जो टारगेट रेशियो वो कहीं ना कहीं शिफ्ट होते रहते। तो अगर 15 मिनट का चार्ट हमेशा प्रेफर करने की आप कोशिश करो, क्योंकि उसमें क्या होता है एंट्रीज कम होगी लेकिन टारगेट रेशियो आपको बहुत बड़े बड़े मिलेंगे जो आप यहाँ पर आपको चार्ट पे देख रहे हो। कहीं पर भी देखोगे तो आपको 1 से 2 एंट्रीज मिलेगी लेकिन आपको बहुत अच्छी दिखेगी। यहाँ पर आप देखते हो तो यहाँ पर भी आपकी एक ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट हो रही है, यहाँ पर भी आपका एक ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हो, अब ये प्रॉपर ट्रेंड लाइन में बस आपको मैं दिखाने के लिए बना रहा हूँ। तो ये प्रॉपर ट्रेंड लाइन हो गया, तो इसके ऊपर अगर बाय करते हो तो इसके नीचे का आपको एसएल पुट ऑन करना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो एसएल करोगे तो यहाँ पर आपको इजीली टारगेट मिल जाएगा, इजीली टारगेट। लेकिन अब ये 5 मिनट पे वही करोगे तो आप कहीं ना कहीं इसी के भाग जाओगे, यहीं पर भाग जाओगे, यहीं पर भागोगे, और यही बार बार हम करते रहते हैं हर जगह पर, और यही ज्यादातर हमारे हाथ में और ट्रेडिंग बार बार ऐसे ही होता रहता है। तो इसीलिए मैं हमेशा अगर आपको प्रेफर करूंगा तो मैं बोलूंगा कि आपको एंट्री जो है, जो आपकी एंट्रीज है वो एंट्रीज आपको कम से कम रखनी है, मिनिमम एंट्रीज कम की कम रखनी है, एंड जो आपको प्रॉफिट रेशियो है उसको आपको हमेशा राइड करते रहना है, उसी को ट्रेडिंग बोलते हैं, उसी को हम ट्रेडिंग बोलते हैं, ताकि मार्केट एक बार 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 प्रॉफिट रेशियो हमारे बढ़े एंड ट्रेडिंग जो है वो एंट्री एंड एग्जिट से वो कहीं ना कहीं कम हो। इसीलिए उसको ट्रेडिंग साइकोलॉजी हम बोलते हैं कि एक बार आप एंट्री करो, जैसे कि ये सिचुएशन पे यहाँ पर जो ब्रेकआउट हुआ था, इस सिचुएशन पे आपने यहाँ पर मार्केट को अगर बाय किया होगा तो 15 मिनट पे चार्ट पे अगर इजीली इसको बाय करते हो तो यहाँ पर आपको एसएल पुट ऑन करना पड़ेगा एंड आपका जो टारगेट रेशियो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा निकल के आएगा। कैसे निकल के आएगा? टारगेट रेशियो भी आपका कहीं ना कहीं ये लेवल के निकल के आ रहा है, ये ऊपर का, क्यों? क्योंकि मार्केट कंटिन्यूसली जो ऊपर जा रहा है यहाँ पर पुल बैक बना और फिर कंटिन्यू जा रहा है, तो इस तरीके से आपका टारगेट भी बड़े हो जाएंगे। 5 मिनट पे ट्रेड करोगे तो यहाँ पर आपको डर लगेगा कि मार्केट जाएगा कि नहीं जाएगा, मार्केट क्या करेगा, यहाँ पर आएगा तो ये क्या करेगा, इस तरीके से आपको बार बार डर लग लेगा। लेकिन डर लगने की कोई जरूरत ही नहीं है, मार्केट खुद बता रहा है मैं ऊपर जा रहा हूं तो हमें भी मार्केट के साथ ही चलना चाहिए। होप आप समझ गए होंगे कि कौन से टाइम फ्रेम पे आपको ट्रेड करना इजी रहेगा। आप 5 मिनट पे ट्रेड करोगे आपको तो बार बार एंट्रीज मिलेगी, बार बार एग्जिट मिलेगी, जैसे कि मैं 5 मिनट का चार्ट लगा रखा हूं, तो आप यहाँ पर 5 मिनट पे चार्ट पे देखोगे तो यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर आपकी एंट्री मिल गई, फिर आप एग्जिट यहाँ पर करोगे डर के मारे, फिर आपको यहाँ पर वापस एक बार सेलिंग एंट्री मिलेगी, फिर आपको यहाँ पर ऊपर चले जाओगे, फिर यहाँ पर आप ट्रेंड लाइन लगाओगे, फिर इसके नीचे एंट्री, फिर ऊपर एसएल, तो बार बार एंट्री एग्जिट करोगे। लेकिन वही अगर आप 15 मिनट का चार्ट यहाँ पर प्रेफर करोगे तो आपको कहीं ना कहीं क्लियरिटी आएगी कि भाई मार्केट क्या कर रहा है, मार्केट कहीं ना कहीं यहाँ पर नीचे आ रहा है तो मैं यहाँ पर एक बार एंट्री करूंगा ना, मेरे लिए टारगेट कहीं ना कहीं ये लेवल के निकल के आएगा, तो मार्केट यहाँ तक पहुंचता है तो मेरे लिए टारगेट अचीव हो जाएगा। इस तरीके से आपको ट्रेड करना चाहिए, तभी जाकर आप यहाँ से एक बार पैसा कमा सकते हो। लेकिन आपको यहाँ पर पैसा कमाने के लिए मार्केट को प्रीफर करो, मार्केट कहाँ जा रहा है देखो, फिर जाकर उसमें ट्रेड करो। तो बड़े टाइम फ्रेम पे ट्रेड करने का मतलब है कि आपकी एंट्री साइजिंग कम हो जाती है और टारगेट रेशियो बढ़ते हैं, तो उसी चीजों को आपको फॉलो करना चाहिए, तभी जाकर आप मार्केट में धीरे धीरे करके यहाँ पर चीजें सीखोगे भी एंड प्रॉफिट रेशियो बढ़ेगी। होप आप सारी चीजों को समझ पाएंगे। हमें मिलता है आपको नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय एवरीवन, टेक केयर।